राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश और सरकार से लगातार गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने 23 दिसंबर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती तक गन्ना मूल्य बढ़ाने और बकाया भुगतान करने की मांग की थी। गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग पूरी न होने से राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर ज्ञापन देंगे। आप खुद देख लीजिए कि आप हमारा ही पैसा नहीं दे रहे हैं। 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान नहीं करने पे आपको ब्याज देना है, परंतु आपने एक बार भी पिछले 6 सालों में आपने 1 रुपए का भी आपने ब्याज देने का काम किया, तो आप बताइए, आप हमारा ही पैसा नहीं दे रहे हैं। हरियाणा में वही गन्ना 400 रुपए में बिक रहा है जो कि हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, और हमारे ही गन्ने को आप 340 रुपए में ले रहे हैं। उससे जो पैसा बटोरते हैं उससे आप अपनी सरकार का PR मजबूत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सरकार किसान को कुचल देना चाहती है, और इनके तो MP ने के बेटे ने किसानों को कुचलने का भी काम कर दिया कि थार से किसानों को कुचलने का काम किया, और आज तक वो अपनी कुर्सी पे बना हुआ है। तो ये पूरी स्थिति साफ है कि ये किसान विरोधी सरकार है। इसीलिए आज राष्ट्रीय लोकदल इस सरकार को, इसकी गूंगी बहरी जो सरकार है, इसके जो कानों पे जू नहीं रेंग रही है, किसान की आवाज़ नहीं पहुंच रही, हम आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, ऐसा है कि आधा गन्ना पिल गया, नवम्बर से मिल चल रही है, पंजाब में रेट डिक्लेयर हो गया, हरियाणा में हो गया, पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार की सोई हुई है। अभी योगी जी का मैं पिछले 2 दिन पहले बयान देख रहा था, कब एक हम कमेटी बनाएंगे और वो रेट तय करेगी। मतलब आपको आज समझ में आ रही है कि आप कमेटी बनाओगे? जब पूरा गन्ना पड़ जाएगा तब आप गन्ने का रेट तय करोगे? तो ये सरकार एक तरह से किसान विरोधी काम कर रही है। ये सरकार का काम सारा किसान के खिलाफ हो रहा है। गन्ने का रेट तय नहीं किया, पिछले साल का बकाया पड़ा हुआ है, 7 साल से आपने गन्ने पर ब्याज नहीं दिया। किसान कोऑपरेटिव में ब्याज देता है, किसान बैंक को ब्याज देता है, महाजन को ब्याज देता है, क्रेडिट कार्ड पे ब्याज दे रहा है, किसान ब्याज दे रहा है। और गन्ना अधिनियम में है कि जो गन्ना 14 दिन के बाद पेमेंट करेगा मिल मालिक गन्ने का, तो उसको 15% ब्याज देना होगा। योगी जी सालों साल का ब्याज नहीं दे रहे, तो ये किसान के विरोध में है ये लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने आज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सब लोगों को बुलाया है, हमारा एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है। आज हमारे जिलों में भी कार्यक्रम हो रहा है युवाओं का, चूँकि युवाओं में के भर्ती की सीमा उम्र जो है वो घटा दी गई है,